सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी मोबाइल टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ प्लान्स के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा मार्केट में यार, अगर हम इतने रुपए का रिचार्ज करा लेंगे तो हम इतना बेनिफिट मिलेगा। आप अपने नज़दीकी मोबाइल शॉप पर गए, क्या आपको पता है कि आपके शॉप तक वो कैसे पहुँचे, कैसे वो आपकी शॉप तक वो प्लान आके पहुँचे हैं और कैसे आप कंपनी डिसाइड करती है कि अगर आप इतने रुपये का रिचार्ज कराओगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल हम दे देते हैं बेस्ट ऑफर का कि आज के दिन अगर बेस्ट ऑफर अगर आप अपना चेक करो तो एग्जाम्पल के लिए आपको मिल गया ऑफर कि 199 में आपको एक महीने तक अनलिमिटेड कॉलिंग डाटा मिल रहा हो। तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको ही मिलता हो, वो ऐसे भी कुछ कस्टमर है जो कंपनी चुनती है जिनको 199 के रिचार्ज पर 56 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग डाटा भी मिल सकता है, हो सकता है उनको 6 महीने तक भी कंपनी बेनिफिट दे दे। तो ऐसा क्यों डिसाइड करती है, बेसिकली इतना भेदभाव कंपनी क्यों करती है और कैसे करती है, और कैसे कंपनी डिसाइड करती है कि किस कस्टमर को किस तरह का बेनिफिट दिया जाए तो वो बेसिकली हमारा एक्टिव यूजर हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले और बताने वाला हूं आपको एक ऐसी टिप्स जिसके जरिए आप बढ़िया सन से अगर आपके मोबाइल नंबर पर आते हैं काफ़ी महंगे बेस्ट ऑफर तो आप काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन, टेक्निकल के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अगर हम बात करें टैरिफ प्लान्स की, इससे पहले हम बता देते हैं कुछ जरूरी बातें जो आप सभी को पता होनी चाहिए। दोस्तों आपको पता है कि आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल तीनों ऐसी कंपनियां हैं जो बेसिकली जियो से सीधी टक्कर कर पाती है, पर क्या आपको पता है कि तीनों कंपनियों के अंदर क्या सिमिलरिटी है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एयरटेल का अगर कोई अनलिमिटेड का प्लान है तो उसी के आसपास का वोडाफोन और आइडिया का भी आपके स्टेट के अंदर प्लान होगा। 2-4 रुपये ऊपर नीचे का फर्क होता है जिससे कि कस्टमर को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब क्या आपको पता है कि अगर एयरटेल ने ऐसा कोई प्लान निकाल दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल एयरटेल ने ऐसा कोई प्लान निकाल दिया कि 45 रुपये में आपको एक महीने तक अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रहा है, तो या तो अगर वोडाफोन आइडिया को ऐसा लगा कि हम इस प्लान को नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पता नहीं इनके बीच में स्टेट लेवल पे क्या डिस्कशन होता है, या तो एयरटेल को प्लान बंद करना पड़ेगा या फिर किसी ना किसी तरह एयरटेल और आइडिया और वोडाफोन को प्लान मार्केट में निकालना ही पड़ेगा। अब ये पता नहीं इनके बीच में क्या टाइप होता है, क्या डिस्कशन होता है, कैसे काम करती है कंपनियां, पर होता ही कुछ ऐसा है। अब बताता हूँ टैरिफ प्लान्स के बारे में। दोस्तों पहले तो एक चीज़ बता दूँ, जो भी स्टैंडर्ड लेवल पे रिचार्ज आते हैं, जैसे एग्जांपल जो भी कंपनियां निकालती है डायरेक्ट, वो आपको टीवी पे दिखाई देती है कि अगर आप 179 का रिचार्ज कराओ तो आपको एक महीने तक अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 1 GB डाटा मिलेगा, तो सभी करवा सकते हैं, कोई भी बिना बेस्ट ऑफर चेक करे करवा सकता है। अगर हम बात करें टैरिफ प्लान्स की, तो बेसिकली जो टैरिफ प्लान्स होते हैं वो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाता है हर स्टेट में। हर स्टेट में मार्केटिंग डिपार्टमेंट हर स्टेट के अलग अलग अमाउंट के रिचार्ज होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके स्टेट के अंदर जो प्लान आपके पास चल रहा है आपको दिखाई देता है वो आपको दूसरे स्टेट में भी जाते मिल जाए, उसमें आपको अलग प्लान मिलेगा, बेसिकली प्लान वही हो सकता है तो अमाउंट चेंज मिलेगी, तो ऐसा कुछ इनका चल के आता है। अब दोस्तों बताता हूँ कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपके ZBM के आपके जो जोन है उसके ZBM से रिपोर्ट लेता है कि आपके जोन में बेसिकली कितनी एक्टिविटी होती है, हमारे कितने नंबर एक्टिव हैं, कितने एक्टिव यूजर हैं, कितना डाटा यूज होता है, कितनी कॉलिंग होती है, कितना कॉम्पिटिशन है, उसी के बेस पर अमाउंट निकल के आती है और कोई रिचार्ज की स्पेशली वैलिडिटी के साथ में मार्केट में ZBM के थ्रू आपके जितने भी SM होते हैं ZBM के अंडर, उनसे भी SM के थ्रू आपके शहर के जितने भी TSM होते हैं, शहर के TSM के थ्रू आपके शहर के DSC के थ्रू आपके दुकानदारों तक पहुंचाए जाते हैं। अब अगर गांव में रहते हो तो TSC के थ्रू आपके पास पहुंचते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके आपके मार्केट तक, आपकी दुकानों तक आपको प्लान मिलते हैं। और जो अगर हम बात करें बेस्ट ऑफर की, तो बेस्ट ऑफर डायरेक्ट सीधे कंपनी से आते हैं। तो वो कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ कि हर कंपनी 24 से 48 घंटे का डाटा या यूज़र का डाटा लेती है कि उसने कितनी कॉलिंग की हमारे मोबाइल से, बेसिकली हमारे नंबर से, किस किस लोकेशन पे गया, कितनी कॉलिंग की, कितना डाटा यूज़ किया हमारे, कितनी मैसेज की, 5 रिचार्ज कौन से करवा रखे हैं, उसी के बेस पर 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बेस्ट ऑफर के प्लान चेंज होते रहते हैं। अब दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल के बेस्ट ऑफर के प्लान चेंज करना चाहो तो बड़ी एसन से आप 24 से 48 घंटे के लिए आप अपने मोबाइल को चेंज कर दो, आपके मोबाइल के बेस्ट ऑफर के प्लान चेंज हो जाएंगे काफ़ी हद तक। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपको प्लान 3 महीने का मिलता है बेसिकली वो आपको उसी अमाउंट में 1 साल तक का मिल जाए, पर हाँ, क्योंकि कंपनियां बात आपकी काफ़ी हद तक पीछे की भी रिपोर्ट चेक करती है कि आपने रिचार्ज कितने कराए हैं, आप इस नंबर को प्राइमरी कब यूज़ करते थे, आप दूसरे किसी मोबाइल को यूज़ करने लग गए हो क्या। जैसे एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि हर टावर के नीचे जितने भी कस्टमर होते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का हो, अगर आइडिया ये चेक करना चाहिए कि हमारी साइट के अंदर हमारे टावर के नीचे कितने दूसरी कंपनियों के कस्टमर हैं, तो ये सारी चीज़ें कंपनी चेक कर सकती है और ये चेक कर सकती है कि आपका नंबर आप सेकेंडरी तौर पे यूज़ करते हैं या फिर प्राइमरी नंबर है आपका, उसी के बेस पर आपके पास प्लान आते हैं। अगर आपका सेकेंडरी नंबर होगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी आपको ऐसे से प्लान देगी ताकि आप उस नंबर को प्राइमरी तौर पे यूज़ करो कि आप उस नंबर को ज़्यादा यूज़ करो,
तो दोस्तों ऐसे ऐसे प्लान कंपनी आपको तभी देती है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो 24 से 48 घंटे के लिए आप अपने मोबाइल को चेंज कर दो ताकि कंपनी आपको अच्छे अच्छे प्लान देने लग जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के आइकन को भी जरूर दबा लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मेरा ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।